हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोगों ने HTML पे कोडिंग करना सीखा था। आज हम लोग ये जो sarkaririzult.com है, इसका एक क्लोन बना के देखेंगे। ये पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो ये सीखने के पर्पज़ से है। और हम लोग सरकारी रिजल्ट का पूरा ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है वेबसाइट का, वो इस वीडियो में बना कर देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक फोल्डर बनाना है। और इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ सरकारी। अब इस सरकारी फोल्डर के अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि जो भी इमेजेस हमको रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए मैं एक और एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ इमेजेस। इस इमेज फोल्डर के अंदर हमें क्या चाहिए, ये इस वेबसाइट का हमारा ये लोगो चाहिए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से सेव एज कर कर के हमारे सरकारी वाले फोल्डर में इमेजेस के अंदर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लोगो को logo.png के नाम से क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब इस वेबसाइट को चलिए हम लोग देखते हैं इसमें किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा तो ये टेबल लेआउट पे बना हुआ है। तो सबसे पहले एक टेबल है, टेबल में यहाँ पर आपका एक रो है, ये दूसरा रो, ये पूरा मिला के ये तीसरा, ये चौथा, फिर यह पाँचवा, छठा, इस तरीके से रोज़ में बटा हुआ है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें कॉलम कितना है, तो एक होम, लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, इसके लिए टोटल यहाँ पर 8 कॉलम पे ये बना हुआ है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, 8 कॉलम पे ही इस पूरे वेबसाइट को बनाते हैं। और यहाँ पे आप देख पाइए कि जो पहला हमारा जो रो है, इसमें हमारा केवल एक सेल है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 8ों यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं, इन सभी 8ों कॉलम को मर्ज करना होगा। और मर्ज करने के लिए हम लोग कॉलम मर्ज करने के लिए देखे थे टेबल पे कॉल स्पैन। तो इस तरीके से चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर VS कोड ओपन कर लेता हूँ। न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर एक फाइल में बना ले रहा हूँ index.html नाम से, और इसे मैं सेव कर देता हूँ सरकारी वाले फोल्डर पर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक इंडेक्स फाइल बना लिया है उस फोल्डर पे। यहाँ पर मैं एक्सक्लामेटरी साइन लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ, कुछ तो प्री डिफाइंड कोड हमारे HTML के आ जाएंगे। बस यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट को हटा के यहाँ पर कर दिया सरकारी रिजल्ट। अब इसके बाद हमें टेबल लेआउट पे काम करना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो टेबल है हमारा, इस पूरे ब्राउज़र के पेज के बॉडी पार्ट के बीच में आ रहा। तो बीच में लाने के लिए हम लोग एक टैग जानते हैं और वो है सेंटर। तो यहाँ पर मैंने सेंटर टैग लिख लिया। तो सेंटर ओपन होने के साथ ही सेंटर को मैंने क्लोज कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेबल बनाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टेबल ओपन किया। अभी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, इसलिए मैं बॉर्डर यहाँ पर एक वैल्यू दे दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें विड्थ को देखना है कि हमारा जो टेबल का विड्थ कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग 1000px पे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने WTTH विड्थ को हमने रख दिया 1000px। अब इसके बाद टेबल हो गया। अब टेबल में पहला रो बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया TR और इस पर हमें एक सेल बनाना है, लेकिन इसमें हम लोग 8 सेल को मिला रहे हैं, इसलिए TD के साथ हम लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल्स टू 8। और यहाँ पे हमें इमेज एक लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो यहाँ कॉलम बना लेते हैं। एक को मैं कर देता हूँ सिर्फ एक सेल बना देता हूँ लोगो इंसर्ट करने के लिए, और बाकी 7 सेल को मैं मिला देता हूँ TD कॉल स्पैन 7। यहाँ पर मैं क्या करूँ, सरकारी रिजल्ट लिखूँगा। तो चलिए
इतना करने से क्या हमारा आउटपुट आ रहा है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो F5 बटन दबा करके हम इसे चेक कर लिया। तो यहाँ देखिए टाइटल में हमारे क्या आ गया, सरकारी रिजल्ट आ गया। और ये हमारा एक टेबल यहाँ हुआ बना है, लेकिन इसमें चूंकि हमारा कोई कंटेंट नहीं है इसलिए इस तरीके से हमारा दिख रहा है। तो सबसे पहला काम है यहाँ लोगो इंसर्ट करना। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, वेबसाइट में देखेंगे इसका कलर हमारा डार्क मैरून है। तो हमें भी क्या करना होगा, पूरा उस रो का कलर को क्या करना है, कलर करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीजी कलर, और यहाँ से हमें वो कलर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कलर पिकर आप वेबसाइट से ले सकते हैं, कलर पिकर। और यहाँ से आप देख लीजिए कि आपका उस वेबसाइट का क्या कलर था। और यहाँ से जो हेक्साडेसिमल कोड मिलेगा उसे कॉपी करके आप यहाँ क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो TD है, पहला जो सेल है, इसमें इमेज लगाना है लोगो। तो यहाँ हम लिखेंगे IMG टैग से और SRC से उस इमेज का एक लोकेशन देंगे जो कि हमारा इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारा logo.png नाम से हमारा जो फाइल है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। इतना लिखने के बाद इसे सेव करते हैं और यहाँ हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख पाइएगा यहाँ पर एक लोगो हमारा आ गया। अब इसके बाद हम चाहते हैं ये जो सेल बना हुआ है इसमें हम वेबसाइट का नाम लिखना। तो ये जो TD है, इस TD पे आके हम लोग क्या करेंगे, H1 टैग लगाकर सरकारी रिजल्ट। तो इतना करने के बाद हम लोग सेव करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। और इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं, चलिए इसी टैब में हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट फिर से। तो ये लिखा हुआ है, मैं इससे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट। इसके बाद जैसे कि हेडिंग लगाना है तो यहाँ पर H3, और H3 के बाद यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, सरकारी रिजल्ट .com, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी। और ये रहा पेस्ट। तो ये हमारा आउटपुट इस तरीके से आएगा। इसे चूंकि सेंटर पे करना है तो सेंटर पे करने के लिए हम TD पे लिखते हैं अलाइंज, और अलाइंज हमें सेंटर करना है इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटर। अब कलर हमें वाइट करना है, इसके लिए हमें फॉन्ट यूज़ करना होगा। तो चलिए TD में जाके यहाँ पर हम लोग फॉन्ट लिखते हैं और यहाँ पर फॉन्ट का कलर जो है वो कर देते हैं वाइट। और दोनों हेडिंग के पास हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट को क्लोज कर देंगे। तो ये कलर वाइट हो गया। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे में हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 सेल बनाना है मेनूज़ के लिए। तो इसके लिए फिर से हमें एक नया रो बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग TR लिखेंगे, TR में हम लोग TD लिख दिए। और लिंक लगाना है इसलिए हम लोग एंकर टैग यूज़ करेंगे, और हाइपर रेफरेंस में फ़िलहाल के लिए हम ब्लैंक रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, हैज़ लगा देंगे। इतना होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे होम लिखना है तो ये मैंने होम लिख दिया। और कलर क्या करना है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं तो इस तरीके से होम आ गया। और इसके बाद देखिए इस तरीके से हमारा लेटेस्ट जॉब, ये सब के लिए टोटल हमें क्या बनाना है, 8 हमें कॉलम्स या सेल्स बनाने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ही यहाँ पर सेलेक्ट करके 8 बार पेस्ट कर देता हूँ। एक हो चुका है, 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये सेल हमारा क्या दिख रहा है, कुछ बड़ा दिख रहा है। तो इसका विड्थ एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चूँकि टोटल हमारा 100 px पे बना है तो इसका विड्थ हम लोग दे देते हैं
1000 पीएक्स पे बना है, तो हम लोग इसका 100 पीएक्स रख देते हैं। तो इस तरीके से तैयार हो गया। अब ये जो कलर था इसका हमारा ब्लैक था, तो इसलिए जाकर हम लोग क्या करेंगे, बीजी कलर। तो यहाँ पर गए और यहाँ बीजी कलर जो है इसको कर दिए ब्लैक, और इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखेंगे कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉन्ट का कलर क्या है, वाइट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे फॉन्ट, फॉन्ट स्पेस कलर इक्वल्स टू वाइट। अब फॉन्ट के अंदर हम लोग होम को रख देंगे, तो होम का जो कलर है वो हो जाएगा वाइट। तो मैं फिर से इसको क्या करता हूँ अभी के लिए डिलीट करके, क्योंकि हर बार मुझे ये कोड लिखना होगा, कॉपी करके आठ बार क्या कर देता हूँ पेस्ट। और मैं इसे क्या कर लिया सेव, और यहाँ रिफ्रेश करके देखूँगा इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद इसे सेंटर पे करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे TR में अलाइन कर देंगे सेंटर। तो जो भी कंटेंट होंगे उस सेल के अंदर, उस TR में, उस रो में, सारे सेंटर पे हो जाएंगे इस तरीके से। इसका ऊंचाई अगर हमें बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ पर हाइट दे सकते हैं, हाइट इक्वल्स टू, जैसे अगर आपको 65 या 50 पीएक्स करना है तो 50 पीएक्स। तो ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन हो गया। बाकी इसमें CSS चूँकि यूज़ किया गया है तो इसका लुक कुछ अलग होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ HTML का यूज़ करके ही अभी ये पूरा डिज़ाइन को तैयार करेंगे। अब इसके बाद नीचे हमें फिर एक सेल बनाना है, और इस सेल में ये पूरा हमको कंटेंट को लिखना है। तो चलिए करके देखते हैं। तो फिर से एक सेल बनाने के लिए हम लोग, पहले हम लोग को एक TR बनाना होगा। TR के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, TD, और इस TD के अंदर मैंने वहाँ कॉपी कर रखा था उसको मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पर BR। टैग लगा दिया। चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये इस तरीके से आया, क्योंकि हमने पूरा ये जो डिज़ाइन किया है टेबल का वो 8 कॉलम पे है, तो इस पूरे ये एक सेल हमने बनाया है, लेकिन यहाँ अगर हम लोग कॉल स्पैन यूज़ करके 8 दे दें तो ये पूरा ही हमारा सारा सेल्स मर्ज होकर एक सेल बन जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल स्पैन 8, चूँकि 8 टोटल हमारे पास कॉलम से, इसलिए हमने क्या रख दिया 8। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अगर इसका साइज़ बढ़ाना है तो हम फॉन्ट से क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ को इनक्रीज़ कर सकते हैं, और या फिर हेडिंग्स के रूप में बनाना है तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेडिंग 3। और इस पूरे लाइन को मैं क्या करता हूँ, हेडिंग 3 के अंदर रख देता हूँ, और यहाँ रिफ्रेश करके देखता हूँ कुछ इस तरीके से है। चूँकि ये जो कंटेंट था हमारा यहाँ सेंटर पे है तो, और हमारे में नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, सेल का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर करना है। तो यहाँ पर अलाइन हमने कर दिया सेंटर, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये जो हमारा कंटेंट क्या हो गया, सेंटर अलाइन हो गया। अब नीचे जो हमारा दिया गया है इसको हमको कलर चेंज करके रेड करना है, तो यहाँ पर हमें फॉन्ट लगाना होगा, फॉन्ट, और यहाँ पर कलर इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे रेड, रेड कलर में हो जाएगा। अगर बोल्ड करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, B। और ये जो पूरा वेलकम से लेकर जो भी कंटेंट है इसको हम यहाँ से कट किए और यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से, और इसे हम लोग सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से इतना हमारा कोड हो गया। अब चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये हमारा रेड आ गया। अगर हम चाहते ये बॉर्डर जो यहाँ तो नहीं बॉर्डर दिया हुआ था, हम भी चाहते ये बॉर्डर ना हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बॉर्डर को हटा के सेव कर देंगे।
तो इस तरीके से ये बॉर्डर हट गया। यहाँ पर हमारा आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ एक सेल बनाया हुआ है। अगर हम CSS यूज़ करते तो हम लोग ये बॉर्डर ये सब सारा कुछ हम लोग अपने हिसाब से हटा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ HTML यूज़ करके ही पूरा लेआउट तैयार करेंगे। तो इतना हो चुका है हमारा। चलिए अब ये जो आगे लिखा हुआ है इस पर काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी यहाँ से कर लिया। कॉपी करने के बाद चूँकि एक नया रो में है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, TR ले लेंगे और थोड़ा और जूम में कर लेता हूँ और TR के साथ ही साथ यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एक TD लिखना है और TD में सारे कॉलम जो हैं उसे मर्ज करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन 8 और यहाँ पर मैं जो भी वहाँ से कॉपी किया था वेबसाइट से उसको मैंने पेस्ट कर लिया। तो यहाँ चूँकि आ गया तो चलिए इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। चूँकि ये तीनों लाइन हमारा, अगर हम इसको सेव करके इस तरीके से यहाँ रिफ्रेश करें तो आप देख पाए कुछ इस तरीके से आएगा। तो मुझे जिस जिस लाइन को नीचे ले जाना था उसको हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो ये सारा एक ही लाइन पे दिख रहा है, तो यहाँ से हमको एक नया लाइन चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, BR टैग यूज़ करेंगे। BR टैग क्या करता है, लाइन ब्रेक करने का काम करता है। तो ये सारा अलग अलग लाइन में आएगा। इसे मैं सेव कर लिया और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसका फॉन्ट का साइज़ हमें क्या करना, थोड़ा बड़ा करना है। तो फॉन्ट साइज़ बड़ा करने के लिए हम लोग फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉन्ट और कलर में देख लेता हूँ कौन सा कलर में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारा ये हमारा ब्लू कलर में है। तो यहाँ पर फॉन्ट के बाद मैं यहाँ कलर यूज़ करता हूँ, कलर इक्वल्स टू ब्लू। तो ये हमारा कलर ब्लू हो गया और इस फॉन्ट को यहाँ से मैं कट करके लास्ट में लगा देता हूँ। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, सारा जितना भी यहाँ पर टेक्स्ट होगा वो किस कलर में हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा। इसको मैंने सेव कर लिया, अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये इस तरीके से। अब इसको बोल्ड करना है तो बस हमें क्या करना होगा, B टैग यूज़ करना है। B ओपन किया और नीचे जाके B को क्या करना है, क्लोज कर देना है। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँगा, बोल्ड हो गया। बोल्ड होने के बाद हमें इसे सेंटर पे लाना है। तो सेंटर के लिए हम क्या करना होगा, यहाँ TD जो है यहाँ अलाइनमेंट सेंटर करना होगा। तो यहाँ पर अलाइन इक्वल्स टू क्या कर देता हूँ, सेंटर। तो इस तरीके से आप देख पाइएगा कि हमारा अलाइनमेंट क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब पहला लाइन को छोड़ के बाकी को हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कराना है। तो स्क्रॉल कराने के लिए हमारे पास अप डाउन इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ होते हैं और वो भी मार्क्यू के साथ लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मार्क्यू। तो मार्क्यू क्या करेगा, हमारा टेक्स्ट को मूवेबल बनाएगा। तो एक का मार्क्यू का डायरेक्शन जो है इक्वल टू, हम अभी के लिए राइट रख देते हैं और कुछ का हम क्या करेंगे, अभी इसको यहाँ से कट कर लिए, कॉपी किया, इस लाइन के आगे भी मैंने लगा दिया मार्क्यू, इस लाइन के आगे भी लगा दिया क्या, मार्क्यू। तो ये तीनों लाइन मूव करेंगे तो एक राइट से एक लेफ़्ट डायरेक्शन आएगा। तो यहाँ लेफ़्ट कर दिया, दूसरा राइट और मार्क्यू यहाँ ओपन किया है। तो क्या करेंगे, इधर मार्क्यू को हमें क्या करना हो, क्लोज। तो यहाँ पर हम लोग मार्क्यू टैग को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा। और बाकी हमें अगर टिल्ड करना है तो इसके लिए तो हम लोग CSS यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग इस तरीके से इसको कर लेते हैं। चलिए फिर अगला क्या काम करना है हमें, तो यहाँ पर कुछ ऐड आ रहा है तो ऐड तो हम लोग लगा नहीं सकते। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ स्क्रीनशॉट इसका ले लेता हूँ एक। तो यहाँ स्नैपिंग टूल पे मैं जाता हूँ, स्निपिंग टूल से ये जो एरिया है इसका मैं यहाँ तक के लिए फ़िलहाल के लिए क्या कर लेता, एक स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ।
इसको मैं क्या करता हूँ, सेव बटन से यहाँ सेव कर देता हूँ। और ये जो है हमारा डेस्कटॉप में सरकारी नाम से फोल्डर है इमेजेस के अंदर, इसका नाम बैनर रख देता हूँ, बैनर जीपीजी। तो मैंने बैनर डॉट जीपीजी के नाम से इस एरिया का एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसको हम लोग एचटीएमएल वर्ब यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने से पहले हम लोग एक रो बनाना है, तो रो टीआर लिख दिया, इसके अंदर एक टीडी बनेगा, और यहाँ कॉल स्पैन हमारा कितना हो रहा था, 8, तो यहाँ 8ों को मिला के एक सेल बनाना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 8 कर दिया। इसके बाद यहाँ चूँकि इमेज ऐड करना है, तो इमेज और src इक्वल्स टू डबल कोट में इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारा बैनर डॉट जीपीजी नाम से फाइल को हमने सेव कर रखा है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ सेव करते हैं, सेव करने के बाद चलिए अपने पेज में आकर रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। चूँकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसका विड्थ को हमको एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज का जो साइज मैक्सिमम 1000 करना है, तो यहाँ विड्थ लिखेंगे, क्योंकि पूरा कॉलम का विड्थ हमने कितना लिखा, 1000 लेके चला है, तो 1000px। इसको हम सेव कर देते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए हमारा इतना लेआउट तैयार हो गया है इस वेबसाइट का। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर टोटल हमारा 8 कॉलम में से 2-2 कॉलम को मर्ज किया गया है। तो इस लाइन में हमारा क्या होगा, 2-2 कॉलम को मर्ज करना है। तो कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग क्या एक नया लाइन बनाएंगे जो कि TR से होगा। TR के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, TD, और यहाँ लिखेंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन चूँकि 2 मिलाना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या मैटर लाना है, तो मैटर चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ थोड़ा बोल्ड करने के लिए यहाँ पर BTAG को भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया इस तरीके से। अब टोटल हमें कितना यहाँ पे चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, तो इसको कॉपी करके हमने 3 बार और पेस्ट कर दिया। और इसको सेव करने के बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कुछ इस तरीके से हमारा आ गया। लेकिन ये एक ही लाइन में आ रहा है, हम थोड़ा साइज़ यहाँ क्या करेंगे, फॉन्ट साइज़ लगा के इसका साइज़ को बड़ा कर लेंगे। तो बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉन्ट यूज़ करना, फॉन्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे, साइज। फॉन्ट साइज़ यहाँ कितना, अगर हमें 5 देना है तो 5 दे सकते हैं इस तरीके से। कुछ वैल्यूज़ है 6 तक का, वो दे सकते हैं। क्योंकि फॉन्ट यहाँ ओपन हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे यहाँ पे, और इसको सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारा आउटपुट किस तरीके से आएगा, तो कुछ इस तरीके से। अब इसको सेंटर पे करना है, बाकी को भी हमें क्या करना, थोड़ा सा फॉन्ट लगा के बड़ा करना है, और साथ ही साथ इसको सेंटर पे करना है। तो इसी लाइन को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और बाकी फिर से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पेस्ट, Ctrl-V। एक बार यहाँ से मैंने क्या किया, इसको Ctrl-C दबा के कॉपी किया और नीचे पेस्ट। अब इसके बाद रिफ्रेश करके देखते हैं, तो इस तरीके से आ गया। और हर एक सेल में देखिए ये सारा सेंटर पे है। सेंटर अलाइंस करने के लिए चलिए यहाँ TR पर अलाइनमेंट हमने क्या कर दिया, सेंटर। तो सारे जो टेक्स्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सारे TD में सारे टेक्स्ट सेंटर पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से सेंटर पे आ गया। अब इसमें देख रहे हैं सबका कलर अलग अलग है कुछ, तो यहाँ से कलर हम लोग कलर पिकर से चूज़ कर सकते हैं कि मुझे ग्रीन में कुछ चाहिए। तो यहाँ से मैंने इस कलर को क्या किया, कॉपी किया, और सिर्फ उस सेल में इफेक्ट बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे BG कलर, सेव। और हम चाहते हैं कि जब कलर आएगा तो हमारा यहाँ पर किस तरह का कलर है, ये वाइट कलर है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ फॉन्ट में कलर लिख लेते हैं। फॉन्ट में क्या यूज़ कर लेंगे, कलर, कलर इक्वल्स टू वाइट। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब चूँकि फिर से हमें क्या करना है, सेम ये कोड लिखा गया है,
इसी को ही मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके बाकी लाइंस को हटा के फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। चार बार मैंने पेस्ट किया, सेव किया, और यहाँ आप क्या करेंगे, रिफ्रेश करके देंगे, कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहाँ बस आपको कलर चेंज करना है, तो चलिए कुछ कुछ का कलर हम लोग यहाँ चेंज कर लेते हैं, कुछ को ब्लू कर देते हैं डायरेक्टली। हम लोग यहाँ पर कलर का नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ ब्लू दे दिए। यहाँ रेड करना है तो यहाँ जाके हमने लिख दिया रेड। येल्लो करना है तो येल्लो, नहीं तो हम कलर पिकर से हेक्साडेसिमल कोड भी ले सकते हैं। और इसको सेव करने के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाइएगा इस तरीके से आ गया। चलिए ऐसा दो लाइन है हमारे यहाँ पर, तो इन दो लाइंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये पूरा TR को ही हम क्या करेंगे, कॉपी करके और एक बार हमने लिख दिया। बस यहाँ ऊपर नीचे थोड़ा कलर चेंज कर देंगे। इस कलर को मैं नीचे ले जाता हूँ और यहाँ ग्रीन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और अपने वाले पे आकर सेव करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ कुछ ऐड है तो ऐड लगाने के लिए फिर से वही, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि ये जो लेआउट है यहाँ तीन कॉलम पे बना हुआ है, तो तीन कॉलम पे इसको कैसे बनाया जाए। और चूँकि यहाँ पर एक हमको बॉर्डर भी देना है, तो चलिए अब इतना नहीं, कम से कम ये बॉर्डर आना चाहिए, और बॉर्डर के साथ ये सारे को हमको कैसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक अलग से फिर से टेबल बनाऊँगा, और टेबल में हमारा कितना यहाँ कॉलम होगा, तीन कॉलम होगा। ये हमारा पहला रो हो जाएगा, या तो फिर तीन कॉलम बनाने के बाद हर एक TD में फिर से मैं एक टेबल बनाऊँगा। जैसे कि इसको समझने के लिए आप पेंट ब्रश में कुछ समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इस तरीके से एक टेबल बनाया। इस टेबल में मैं क्या करूँ, तीन पार्ट करूँगा इसका। ये हमारा बड़ा वाला टेबल होगा। अब इसके अंदर ये जो रिज़ल्ट वाला कॉलम है पूरा, इसको मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एक टेबल और एक TD के अंदर इसके अंदर ऐसे बना दूँगा। फिर यहाँ पर एक दूसरा इस TD के अंदर बड़ा वाला टेबल का TD जो होगा उस पर फिर से एक टेबल बनाऊँगा। फिर इस तरीके से मैंने टेबल के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, अलग अलग टेबल बनाएंगे। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर ये टेबल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, एक नया टेबल बनाता हूँ यहाँ पर। टेबल का जो विड्थ है वो फ़िलहाल के लिए मैं रख देता हूँ 1000 PX, और अभी के लिए बॉर्डर दे ही देता हूँ 1। ये टेबल ओपन हो गया। अब इसके अंदर हमें TR बनाने, और TR में हमको TD बनाना है 3, तो ये एक TD हो गया। इसके अंदर फिर से मुझे क्या करना है, एक टेबल का कोड फिर से लिखना है, तो इसको कॉपी करके मुझे 3 बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 3, इसको हमने सेव कर दिया। अब पहला TD के अंदर जो बड़ा वाला टेबल का पहला जो कॉलम था उसमें हमें क्या करना है, फिर से एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर टेबल टैग लिख देते हैं, यहाँ बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 कर दिया, और इसको क्लोज। इसके अंदर फिर हम TR बनाएंगे, एक टेबल रो, और टेबल रो के अंदर एक TD होगा, और उसके बाद दूसरा एक TD। इसमें जो कलर है हमारा BG कलर, जो हमने ऊपर में लिया था सबसे पहले, वही कलर मैं ले लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर लिया, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ क्या कर दी, पेस्ट, सेव कर दिया। सेव करने के बाद थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ रिज़ल्ट, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, उसको पेस्ट। बोल्ड करना है तो B, फॉन्ट साइज़ ये सब बढ़ाना तो आप फॉन्ट ये सब यूज़ कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर सेव कर दिया। अब इतना करने के बाद हमारा जो आउटपुट होगा वो देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। तो चलिए, और यहाँ पर मुझे TD नहीं बनाना है, हमको पहला वाला में रिज़ल्ट लिखने के बाद अगला लाइन चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, कॉलम एक ही रहेगा, रो हमारा बढ़ेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर TR के अंदर TD, इस तरीके से।
तो इस टेबल में जो अंदर वाला टेबल है उसमें एक रो ये हो गया और दूसरा रो में सारे हम लोग लिस्ट को बनाएंगे। अब ये सारा चीज़ जो है इसका विड्थ हम लोग क्या करते हैं, इस रो का विड्थ जो है, विड्थ नहीं, इस रो का हाइट, हाइट इक्वल्स तो कुछ वैल्यू दे देते हैं, चलिए मान लीजिए 400px हम लोग लिख लेते हैं और इसको सेव करते हैं। रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ 400px का हाइट आ गया है दूसरे वाले रो में। ऐसा ही हमको तीन बार करना है। अगर मान लीजिए कि इसको 100px पे बना है तो हम चाहते हैं कि हर एक जो हमारा टेबल हो, हर एक कॉलम जो है वो कितना परसेंट पे डिवाइड, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कॉलम को बड़े वाले टेबल, कॉलम जो है बड़ा वाला जो कॉलम है ये वाला, ये बहुत अधिक एरिया ले रहा है, तो इसको हम तीन बराबर भाग में बांटने के लिए 33% पे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो TD में जाके हमने लिख दिया विड्थ इक्वल्स टू 33%। कॉपी, जो हमारा ये TD को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब सेम चीज़ को मैं यहाँ क्या किया, टेबल से लेकर टेबल तक का पूरा मैटर को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ TR से, पूरा पहला कॉलम के अंदर जो दूसरा टेबल मैंने बनाया है उसको मैंने कॉपी कर लिया, जो कि तीन बड़ा वाला इसमें तीन था, तो ये दूसरी बार और ये तीसरी बार मैंने क्या किया, पेस्ट एक बार, दो बार और ये तीन बार, और इसको सेव किया। तो आप देख पाइएगा इसका रिज़ल्ट हमारा क्या आ रहा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो टेबल हमने अंदर बनाया है उसका चौड़ाई को हमको क्या करना, बढ़ा के यहाँ तक करना है। तो 100% करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा विड्थ, विड्थ इक्वल्स टू 100%। मैंने ये टोटल जिस TD के अंदर बड़े वाले टेबल का TD का 33% है, मैंने 333 लेगा, तो इसका भी साइज जो है 333 हो जाएगा। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये सारा कोड हमारा सारा इसमें जाएगा, टेबल जो मैंने बना के रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट, और फिर फाइनली यहाँ पर भी जाकर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम हो गया। अब यहाँ रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं हमारे वाले को, तो कुछ इस तरीके से बना। अब यहाँ सेंटर करना है, सेंटर करने के बाद यहाँ पर हमें क्या बनाना होगा, लिस्ट। चलिए सेंटर करना है तो क्या करेंगे, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब लिखा हुआ है, तो यहाँ टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए इस TD में आके हम लोग लिखेंगे अलाइंज सेंटर। और चूंकि कलर को हमको चेंज करना है तो यहाँ पर हम लोग फॉन्ट कलर यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू वाइट, और रिजल्ट को मैं यहाँ से कट करके फॉन्ट के अंदर लिख देता हूँ, सेव। चूंकि सेम चीज़ को अब नीचे भी हमें चाहिए, तो ये वाला जो है मैटर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ जो मैंने लिखा हुआ था इसको डिलीट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ था एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड लिख दिया। फिर नीचे आकर हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट जॉब। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सेकंड वाला जो लेआउट है वो लगभग तैयार कर लिया है। अब इसमें से हमें क्या करनी है, बाहर वाला जो टेबल है उसमें बॉर्डर नहीं देना है, तो बड़े वाले टेबल में से बॉर्डर का हटा देते हैं और सेव कर देते हैं, और फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए इस तरीके से हमारा लेआउट तैयार हो गया। अब इस हर एक के इसमें हमको कुछ इन्फॉर्मेशन्स देना है, जो कि इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस इन्फॉर्मेशन्स को कैसे दिया जाए, तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, लिस्ट बनाना होगा, क्योंकि यहाँ बुलेट्स यूज़ किया गया है।
तो चलिए लिस्ट्स बनाने के लिए, जो ये तो हमारा हेडिंग हो गया, हेडिंग के नीचे वाले जो नया रो है इसमें लिस्ट बनाने के लिए, चूँकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो यूएल लिखते हैं, और टाइप में हमारा डिस्क है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्क। फिर यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए एल आई, और जो भी इंफॉर्मेशन देना है एक्स वाई जेड तो वो दे सकते हैं। यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, एक दो बार मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब सेम प्रोसेस ये यूएल वाला मैं कॉपी करके दूसरे कॉलम में एडमिट कार्ड वाले कॉलम पे भी जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट वाले में भी जाके मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और सेव करने के बाद जो फाइनल आउटपुट हमें आएगा हमारे वेबसाइट का, कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन उसे क्या करना है, मुझे ऊपर से टॉप से क्या करना है, अलाइंज करना है। ये बीच में आ रहा है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो टॉप से अलाइंज करने के लिए यहाँ पर हमें क्या, इस टी आर में इस पूरे को टॉप से अलाइंज करना है, तो टी डी में जाकर हम लोग लिखेंगे अलाइन, भी अलाइन, वर्टिकल अलाइन इक्वल्स टू टॉप। सेव कर दिया, सेम प्रोसेस इसको कॉपी किए अपने दूसरे वाले लिस्ट जो यहाँ बनाया था इस पे, उसके भी टी डी में जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। और एक होगा हमारा ऊपर की ओर, इसके टी डी में जाकर मैंने पेस्ट कर दिया और इसको सेव किया, और फाइनल इसका आउटपुट आप इस तरीके से देख पाएंगे। तो इस तरीके से टेबल्स को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने वेबसाइट को बना सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर कोई भी और CSS का कोड नहीं यूज़ किया, क्योंकि हम लोग केवल देखे थे HTML। तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का क्लोन, छोटे छोटे वेबसाइट का क्या कीजिए, क्लोन बना करके देखिए, जिससे आपको सीखने को मिलेगा। तो ये पूरा जो वीडियो था हमारा पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, तो एजुकेशनल पर्पज़ में आप इस तरीके के वेबसाइट्स को बना के प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा, हर एक कोड को लिखने का आदत बनेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।